हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस ऑफ नीट 2020। और आज हमने जो सब्जेक्ट लिया है वो है फिजिक्स। ठीक इसी तरीके से हम केमिस्ट्री और बायो का भी डिस्कशन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें मेरा यूट्यूब चैनल। एंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो फिजिक्स है हमारे लिए आज, हम बात करें इसकी। तो नीट 2020 फिजिक्स सेक्शन वॉज एवरेज। तो इस बार का जो पेपर था जिससे आप डर रहे थे फिजिक्स से, ये एवरेज था। आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस, 17 क्वेश्चंस वेयर बेस्ड ऑन क्लास 11th एंड 28 क्वेश्चंस वेयर बेस्ड ऑन क्लास 12th। सो इस बार क्लास 12th का वेटेज ज्यादा था। द लेवल ऑफ 33 क्वेश्चंस इन पेपर वॉज ईजी एंड 11 वेयर मॉडरेट। तो अगर आप देखें तो इस बार फिजिक्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इजी वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, और सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था बच्चों जो कि डिफ़िकल्ट माना गया है। सो अगर देखा जाए तो यहाँ से तो पता चल रही है बात क्या कि पेपर इजी है। नाउ 10 क्वेश्चंस वेयर आस्क फ्रॉम मैकेनिक सेक्शंस, 5 क्वेश्चंस वेयर आस्क फ्रॉम हीट, 2 फ्रॉम SHM एंड वेव्स, 14 questions were asked from electrodynamics, 4 questions were asked from optics, 10 from modern and electronic topic. Now, basic mathematics, vectors, work power and energy, circular motion in mechanics, sound waves and Doppler effect in SHM waves, thermal expansion in thermal physics, heat transfer, EM in electrodynamic and wave optics, no questions were asked. तो बच्चों इतने सारे जो आपके टॉपिक हैं इनसे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनी, तो लिमिटेड चैप्टर्स और टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए अब देखिए बच्चों, ये आपका एक ओवरव्यू है, इसके बाद हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। सो दिस इज क्लास 11th, 12th एंड सम अप। सो टॉपिक मैकेनिक्स, ईजी क्वेश्चन थे 10, हीट से 2 क्वेश्चन थे इजी, SHM एंड वेव से 2 क्वेश्चन इजी थे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से 9 क्वेश्चन इजी, ऑप्टिक्स से 4, मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से 6। सो टोटल 33 क्वेश्चन इजी। मीडियम में अगर देखें तो सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके हीट से और 4 क्वेश्चन आपके मॉडर्न एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। सो टोटल 11 क्वेश्चन मॉडरेट। और डिफिकल्ट की बात करें तो 1 क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आया था, दैट इज बिंग 1। सो सम टोटलिंग इज 45। अगर आप डिफिकल्टी रेशियो देखें तो इजी का 57.8% इजी क्वेश्चन थे, एंड जो मॉडरेट है वो है आपका 42.2%। इसके अलावा सिर्फ 1 क्वेश्चन ऐसा था जो टफ या डिफिकल्ट माना गया। चलिए सामने बच्चों आपके मैंने एवरेज दिया है, ठीक है, अलग अलग चैप्टर्स के आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसी के डिटेल एनालिसिस मैं आपको आगे देता हूँ। अब देखिए जो ये रो है आपका, दिस इज फॉर क्लास 11th एंड दिस इज फॉर क्लास 12th, दिस इज द टॉपिक रो एंड दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये हमने सेग्रीगेट किया है आपकी आसानी के लिए। चलिए तो मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स के अंदर चैप्टर देखिए, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन से 1 क्वेश्चन, इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी से 2 क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन से 1 क्वेश्चन, फ्रिक्शन से 1 क्वेश्चन, रेक्टिलिनियर मोशन से 1 क्वेश्चन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन। और इसी तरीके से मैं क्लास 12 की बात करूं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से कैपेसिटेंस से 1 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1 क्वेश्चन, AC से 1 क्वेश्चन है, EM वेव्स एंड कॉम्युनिकेशन से 2 क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1 क्वेश्चन, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन, EM फील्ड से 1 क्वेश्चन बच्चों आए हैं। ठीक इसी तरीके से दिस इज क्लास 11th एंड दिस इज क्लास 12th। सो थर्मल फिजिक्स में हीट ट्रांसफर से 1 क्वेश्चन बच्चों, KTG एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4 क्वेश्चन, SHM एंड वेव से देखें तो SHM से 1 क्वेश्चन एंड साउंड एंड वेव से 2 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक इसी तरीके से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स से 1 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं तो न्यूक्लियर फिजिक्स से 1 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन एंड मॉडर्न फिजिक्स से 3 क्वेश्चन बच्चों पूछे गए थे।
तो बच्चों ये था आपका टॉपिक वाइज एनालिसिस आपकी फिजिक्स के लिए। इसी तरीके से हम केमिस्ट्री और बायो की भी टॉपिक वाइज एनालिसिस आपके लिए लेके आएंगे। सो बने रहे हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। सो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर टू माय यूट्यूब चैनल एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।